हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव महावना अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहां पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट है, जैसे मैंने नेट जीआरएफ एग्जाम क्लियर किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी मेरी चल रही है और मैंने आरएएस मेंस एग्जाम भी लिखे हैं और मुझे साथ में 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। नाउ क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अनलिमिटेड लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। नाउ हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी के लिए किस तरीके से रजिस्टर हुआ जा सकता है। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन के सामने गेट सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए और फिर आप यूपीएससी सेक्शन में जा सकते हो, आरपीएससी सेक्शन में, एनडीए सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन है, उसमें से आप आरपीएससी सेक्शन में जाइए, वहां पर आरपीएससी सब्सक्रिप्शन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ फीस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें 1 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा, 3 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा। तो मेरी सलाह है कि आप 12 मंथ का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसकी फीस है 7,000 रुपीज। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम GAURAVM यूज करते हो तो आपको यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा और 7,000 की जगह 10% डिस्काउंट के साथ आपकी फीस मात्र 6,300 रुपीज हो जाएगी। यदि आप 24 मंथ्स का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो, 24 मंथ्स का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जिसकी फीस है 8,400 रुपीज। यहाँ भी आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे गौरव एम तो आपकी फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 7,560 रुपीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी या फिर एग्जाम को क्लियर कीजिए। एक बार यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले देते हो तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, व्हाट यू विल गेट इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सबसे पहले है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पर बहुत सारी डेली लाइव क्लासेस चलती है जिसमें आप एजुकेटर के साथ एंगेज हो सकते हो, उससे डिस्कस कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे, यदि आपको डाउट्स है तो उसको पूछ सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो, ये केवल ऑनगोइंग क्लासेस के अंदर आप कर सकते हो। सेकेंड है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए लाइव टेस्ट तथा क्विजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करवाती है। यदि आप रेगुलर मोड में मॉक टेस्ट और क्विजेस देते रहते हो तो ये आपकी एक टाइम पीरियड में या फिर पॉइंट पर परफॉर्मेंस को एनालिसिस करवाती है कि आपकी परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर गलत डायरेक्शन के अंदर जा रही है। थर्ड है स्ट्रक्चर कोर्सेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज मीन्स जितने भी आरपीएससी के एग्जाम होते हैं या फिर राजस्थान में कॉम्पिटिशन के एग्जाम कराए जाते हैं, उनके सारे कोर्सेज को सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया गया है, जिससे आप आपके माइंड में भटकाव ना रहे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और जल्दी से जल्दी कोर्स को कवर कर सकें। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स यदि एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप लाइव क्लासेस, कोर्सेज या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो और रिकॉर्डेड कोर्सेज को कितनी भी बार देख सकते हो और किसी भी डिवाइस पर दे सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं डेली लाइव क्लासेस हो गया, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस, तो ये सारी सुविधाएं केवल आपको अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ही प्राप्त होंगी, किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगी। तो जल्दी से जल्दी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल है, राज्यपाल एवं राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल के बारे में, राजस्थान के संदर्भ में हम गुड इवनिंग पिंक सिटी, गुड इवनिंग रेनू, गुड इवनिंग चंपालाल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा राज्यपाल है, वो राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, पूरा 360 देखेंगे कि किस तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल राष्ट्रपति में अंतर देखेंगे और साथ के साथ राज्यपाल के प्रावधान, जो संवैधानिक प्रावधान जो अनुच्छेद दे रखे हैं, उनको भी शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे और साथ में किस किस राज्यपाल के टाइम पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, और किसी एग्जाम के बारे में तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते सरफेस पर, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में जो थर्ड पेपर आएगा
पेपर आएगा जिसमें पॉलिटी सेक्शन है। पॉलिटी सेक्शन में ये दे रखा है, पूरे राजस्थान की पॉलिटी दे रखी है, तो उसके बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे। उसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस की नेचर होता है, कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन लगभग यहाँ पर जो पिछला वाला कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था, कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था उस जो 2015 में हुआ था ये वाला पेपर, तो इसमें लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस थे। कहाँ से थे? राजस्थान की पॉलिटी से थे, और ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर था, या फिर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इस वजह से हम आज इसका पूरा का पूरा देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस देख लेते हैं, काफी क्वेश्चंस है जिसमें राज्यपाल तथा विधानसभा, और भी जैसे कि देखते हैं विधानसभा से जो क्वेश्चन आया था, अनुसूचित जाति की कितनी महिला है, ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। 14वीं विधानसभा जो अब चल रही है वो 15वीं विधानसभा है, तो उसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चंस का नेचर देख लेते हैं। जैसे कि विधानसभा के भी काफी क्वेश्चंस हैं, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, ये सारे कॉलेज लेक्चर 2014 के क्वेश्चंस हैं ज्यादातर, कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान है। तो इस तरीके के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की भर्ती में भी आ सकते हैं, तो आप एक बार इनको रीड आउट कर लेना, जिससे कि आप पैटर्न समझ सको कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से जो तैयारी में भटकाव नहीं होगा आपकी में, तो इसका आप विशेषकर ध्यान रखें। जैसे कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन से हैं, या फिर आरपीएससी के सबसे लंबी अवधि के अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है। पिछली बार तो प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष थे, उसके बारे में इजी क्वेश्चन। तो इस बार और भी जो चेयरमैन हुए हैं उनके कार्यकाल में कोई विशेष घटना हुई है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लोकायुक्त से भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, कि राजस्थान में लोकायुक्त की संस्था है, उसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी और प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो इस बार भी पूछ सकते हैं। लोकायुक्त से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, पिछली बार 2 क्वेश्चंस लोकायुक्त से पूछे गए थे, ठीक है ना। कार्यकाल कितना होता है, और 2 स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आरपीएससी द्वारा पूछ सकती है। और भी देख लेते हैं, जैसे राज्यपाल से जो क्वेश्चन आया था वो आया था 39 नंबर का क्वेश्चन था, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यदि आपको अनुच्छेद की गहरी समझ है या फिर आपको अनुच्छेद याद है, तो आप अनुच्छेद से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो राज्यपाल का जो क्वेश्चन आया था अनुच्छेद से, जैसे कि आरएएस प्रीलिम्स के अंदर भी राज्यपाल से काफी क्वेश्चंस आते हैं, और अनुच्छेद से विशेषकर क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको भाग 6 के राज्यपाल के अनुच्छेद याद हैं तो आप इसको इजीली तरीके से क्रैक कर सकती हो और अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकती हो। जैसे कि महिला आयोग भी है हमारे सिलेबस के अंदर, महिला आयोग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन, जिससे आप समझ सकें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हुए हैं, कि राज्य निर्वाचन आयोग हुआ उसका गठन कब किया गया था, इस तरीके से कि एम पावर समिति, जैसे कि पंचायती राज है हमारे सिलेबस के अंदर, तो पंचायती राज से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। कि एम पावर समिति कौन सी होती है, परियोजना के लाभार्थी नहीं है, तो इसमें भी आपको पंचायती राज के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से विधानसभा से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई, तो इसके बारे में अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना। जैसे कि ये आ गया करंट का क्वेश्चन, करंट का नहीं, ये भी स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस आया हुआ है, कि कौन सी चीज कहां से पूछी गई है, कि राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ था। यदि आपको जो 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगे हुए हैं उनके बारे में नॉलेज है, तो आप अच्छे तरीके से, जैसे कि 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, फिर उसके बाद 1977 में लगा था, फिर 80 में लगा था, और फिर एंड का राष्ट्रपति 1993 में लगा था, तो इस टाइम पर कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन कौन से राज्यपाल थे, उसके बारे में यदि आपको नॉलेज है, तो आप राष्ट्रपति शासन से संबंधित, राज्यपाल भी संबंधित हो गया राष्ट्रपति शासन से, और साथ में मुख्यमंत्री भी संबंधित हो गया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। गुड इवनिंग निक्की जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस का नेचर देखना है हमको सबसे पहले कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद हम राज्यपाल का और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं,
सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हुए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की जो वैकेंसी आई है उसके हिसाब से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 तारीख तक हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। विधानसभा से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी तरीके से पंचायत समिति, मैंने पंचायती राज के बारे में भी वीडियो डाला है, ठीक है ना, कि राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन बना लगा था तब राज्यपाल कौन थे, यदि आपको पता है वसंतराव पाटिल कौन थे, एम चिन्ना रेड्डी कौन थे, रघुवर तिलक, एम चिन्ना रेड्डी इसका आंसर है वैसे तो, ठीक है। यदि मैंने बताया कि यदि आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगे हैं और कौन राज्यपाल है उस टाइम पर और कौन मुख्यमंत्री है, तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ नरोत्तम जी, सर ये क्वेश्चंस कौन सी बुक में मिले? ये क्वेश्चंस आपको आरपीएससी की साइट में मिलेंगे, ठीक है ना। आरपीएससी की साइट पे जाना, वहां पर जैसे ही आप आरपीएससी की साइट खोलोगे तो फिर स्टूडेंट पोर्टल में जाना है ना, जैसे कि वो तीन तीन लकीरें होती है ना, इस पर क्लिक करोगे तो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन के अंदर ओल्ड पेपर्स आ रहे होंगे, तो ओल्ड पेपर्स में आप जाना तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा, यदि विधानसभा से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राज्यपाल से पूछे गए हैं, राष्ट्रपति शासन से पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आप, यदि आपको पता है कि 184 से विधानसभा के संख्या कब से कब कितनी बढ़ाई गई थी, यदि आपको पता है तो आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, और भी देख लेते हैं। विधानसभा से पिछली बार काफी क्वेश्चंस आए थे तो इस बार राज्यपाल से आने की पूरी पूरी संभावना है, और राज्यपाल को अच्छे तरीके से और राजस्थान के संदर्भ में करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि ये करंट का क्वेश्चन हो गया, पहले 14वीं विधानसभा चल रही थी, अब 15वीं विधानसभा, करंट का क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 16वीं लोकसभा, जो राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या, तो इस बार भी जो महिला सदस्य, अच्छा रेणु जी का क्वेश्चन है पटवारी के लिए पॉलिटिकल करवा दो, तो पॉलिटिकल के मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, राजस्थान पॉलिटी के भी करवाए हैं और इंडिया पॉलिटी के भी करवाए हैं, उसके मेरे वीडियोस डले हुए हैं ऑलरेडी, राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी, आप क्या कहते हैं मेरे वीडियोस देख लो वहां पर, ठीक है ना, उससे कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। और यदि आप देख, यदि आपको लगता है कि मैं और क्लासेस ले सकता हूं तो मैं मैराथन क्लासेस चला दूंगा पॉलिटी की, यदि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे बच्चे तो मैं पॉलिटी की मैराथन क्लासेस चला दूंगा कि जिसमें मैं पटवारी के लिए एक या दो दिन के अंदर पूरी पॉलिटी को कवर कर दूं, ठीक है ना। इसी तरीके से 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इस टाइम पर कितनी है, महिला सदस्य कितनी है, ये भी हमको पता होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ अंकित जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से जितेंद्र राय गोयल कौन थे, ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया, आपका आरपीएससी का करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से करंट के भी आएंगे और स्टैटिक पोर्शन से भी आएंगे, तो राजस्थान पॉलिटी से लगभग 25 से आसपास क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आप इन वीडियोस को प्रीफर करें बस केवल, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन था कि नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारात उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना इनको। तो तो इस तरीके से हम पूरा सिलेबस करेंगे, केवल 15 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है ना। 15 दिन के अंदर यानी 15 दिसंबर तक हम राजस्थान पॉलिटी का पूरा सिलेबस करेंगे, जिसमें लगभग 10 से 11 टॉपिक है, 10 से 11 टॉपिक है और 11 क्लासेस के अंदर पूरी में राजस्थान पॉलिटी को खत्म करूंगा, जिसमें से 25 क्वेश्चंस पूरे पूरे फंसने की संभावना है, तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल, मैंने बता दिया आपको, नेचर बता दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर या फिर कॉलेज लेक्चर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आज हम पढ़ते हैं राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा
केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है जो कि कार्यकारी प्रमुख होता है, उसी तरीके से राज्य में भी कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्यपाल के रूप में होता है। और वास्तविक प्रमुख आपको पता है प्रधानमंत्री होता है, और यहाँ पर राज्य के अंदर वास्तविक प्रमुख होता है कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से इसी प्रणाली को क्या कहते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली। और ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में इसको क्या कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली आपने देखा होगा लक्ष्मीकांत बुक में सीधे सीधे दे रखा है, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे राष्ट्रपति होता है केंद्र का प्रमुख होता है, उसी तरीके से राज्य का प्रमुख कौन होता है, या फिर संवैधानिक प्रमुख प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है ना। और इस कौन से भाग में दे रखा है, ये भाग 6 के अंदर दे रखा है। भाग 6 के अंदर इसका वर्णन है, और आर्टिकल कितने से कितने तक है, 153 से 163 तक इसका वर्णन दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल क्या होता है और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में हम अंतर भी करेंगे, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने राज्य भाग 6 की बात की, भाग 6 के अंदर राज्य है और उसी के अंदर राज्य कार्यपालिका आएगी। राज्य कार्यपालिका के अंदर चार होते हैं, कौन कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा, दूसरा वास्तविक प्रमुख होगा, और तीसरी मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को सहयोग करेगी, और जो चौथा स्तंभ होता है इसमें राज्य कार्यपालिका का महाधिवक्ता, ठीक है ना। महाधिवक्ता क्या होता है, ये सरकारी वकील होता है, सरकार का वकील होता है, जो कि सबसे ऊंची पोस्ट होती है ना वकीलों की, उसमें महाधिवक्ता आता है। और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि ये आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, राज्यपाल के कौन कौन से आर्टिकल है, मुख्यमंत्री के कौन कौन से आर्टिकल है, मंत्रिपरिषद के कौन कौन से आर्टिकल है, और महाधिवक्ता के कौन कौन से आर्टिकल है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर पटवार एग्जाम हो, आर्टिकल से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चंस हर जगह मिलेगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो एक एक करके हम सारा कुछ करेंगे राज्यपाल के बारे में, ठीक है। पहला जो पॉइंट है हमारा कि जितने भी कार्य होते हैं किसके अंदर, राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य के अंदर जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। जैसे कि आपने गजट देखा होगा, राजस्थान का गजट निकलता है, या फिर यूपी का गजट निकलता है, या फिर कोई भी कार्यकारी आदेश निकलता है। तो कार्यकारी आदेश, अच्छा फास्ट करना है क्या, तो कार्यकारी आदेश जितने भी निकलते हैं ना वो राज्यपाल के नाम से निकलते हैं। इसी तरीके से राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की, जैसे कि राजस्थान सरकार बनी थी जिसमें गहलोत सरकार बनी थी, उसमें मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत की नियुक्ति किसने की थी, राज्यपाल ने की थी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। जैसे कि जितने भी विश्वविद्यालय है राजस्थान में, उनके कुलाधिपति कौन होते हैं, एक तो कुलपति होता है, एक कुलाधिपति होता है। कुलपति, जैसे कि आपने वीसी का नाम सुना होगा, जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर और किसी यूनिवर्सिटी के वीसी होता है, ठीक है ना, ये तो वाइस चेयरमैन होता है, लेकिन कुलाधिपति कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं राजस्थान के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, वहां का राज्यपाल वहां का कौन होता है, कुलाधिपति होता है। और ठीक है, और इनकी वीसी की नियुक्ति कौन करता है, वीसी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे कि अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए वीसी बनाए गए थे, तो उनकी नियुक्ति किसने की थी, किसके पत्र से हुई थी, उनके किसके राज्यपाल के उससे हुई थी, ठीक है ना, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग जाए, जैसे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, आपको याद ही हो गया होगा, 1967 में लगा था, 77 में लगा था, 1980 में, और 1993 में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करेगा, वो भी राज्यपाल करेगा। तो इसी वजह से इसको केंद्र सरकार का एजेंट भी बोलते हैं। राष्ट्रपति जैसे राज्यपाल है, वो केंद्र सरकार का एजेंट किस तरीके से, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का शासन चलाता है। जैसे कि किसी राज्य में विद्रोह हो गया, जैसे कि यहाँ पर आंदोलन हुआ, और आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर राज्यपाल
यहाँ की रिपोर्ट किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार की मदद से यहाँ पर कौन सा शासन लगा देगी? राष्ट्रपति शासन लगा देगी। तो आप इसको याद रखना एजेंट के रूप में, ठीक है ना। और आर्टिकल आपको ध्यान ही होंगे, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन है, लेकिन राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं किया गया है। और आर्टिकल 355 भी साथ में याद रखना है। 355 कौन सा था? कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर रिपोर्ट भेजता है, कौन भेजता है? राज्यपाल भेजता है। किसको भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति का मतलब हो गया केंद्र सरकार, मान लो आप सीधे सीधे, ठीक है ना। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि 1956 के अंदर सातवां संविधान संशोधन एक्ट आया था, तो उसके थ्रू क्या किया गया था कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां कई बार आई हैं कि राजस्थान का राज्यपाल यूपी का भी राज्यपाल रहा था, एक ही समय पर एक ही व्यक्ति दो राज्यों का या फिर दो से अधिक राज्यों का। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। राज्यपाल के और कौन कौन से कार्य होते हैं ये मैंने बता ही दिया है कि महाधिवक्ता याद रखना आर्टिकल 165 है, ठीक है। आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है, और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश हो गया या फिर अन्य न्यायाधीश होगा, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है ना, नियुक्ति नहीं करेगा, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। और संविधान में एक व्यवस्था नहीं की गई है, लिखा नहीं गया है कि किस तरीके से राज्यपाल को हटाया जाएगा। आपको पता होगा, आप देखते होंगे आजकल कि आज कोई और है राजस्थान का राज्यपाल और कल कोई और हो जाता है, तो कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, इसका उल्लेख भी नहीं है, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो मैंने एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जितने भी समस्त कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से कराए जाएंगे, और साथ में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री बोलेगा कि इस मंत्री की नियुक्ति करनी है तो उसकी भी नियुक्ति करेगा, और सारे विश्वविद्यालय राजस्थान के या फिर कहीं के उनका कुलाधिपति होता है और वीसी या वाइस चेयरमैन की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। सातवां संविधान संशोधन याद हो गया होगा आपको, और किन किन की नियुक्ति करता है इसके अलावा? आरपीएससी चेयरमैन, जैसा कि अभी भूपेंद्र यादव जो आरपीएससी चेयरमैन है उनकी नियुक्ति किसने की है? राज्यपाल ने की है, लेकिन मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर की है, ठीक है ना। इसी तरीके से आरपीएससी चेयरमैन हो गया और आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसी तरीके से लास्ट जो पॉइंट मैंने बता दिया कि इसको पद से हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्यपाल की योग्यता क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो ये तो सिंपल है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, और या फिर किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, जैसे पीएसयूज होते हैं, या फिर राज्य सरकार के नियंत्रण के अंदर कोई सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, ठीक है ना, जिसमें सरकारी अंश लगा हो, तो उसके अंदर ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के अंदर और केंद्र सरकार दोनों के अंदर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और चौथी जो कंडीशन है योग्यता के अंदर, कि वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। विधानसभा के सदस्य की जो योग्यता होती है वो भी ये धारण कर चुका हो। इसमें आप ये मत समझ लेना कि विधानसभा का सदस्य या फिर एमएलए बनने के लिए कितना, 25 साल होती है, 25 साल ही तो होती है, लेकिन यहां पर 35 साल, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। और जो पांचवी कंडीशन है वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया होगा राज्यपाल की कौन कौन सी योग्यता होती है। जैसे राजस्थान का कोई भी राज्यपाल चुना जाता है तो ये पांचों की पांचों कंडीशंस उस पर लागू होती हैं, ठीक है ना। यदि किसी का क्वेश्चंस हो तो उसको वो पूछ सकता है। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं। देखते हैं, मैंने बता दिया कि भाग कौन सा है, भाग 6। ये देखो जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ वो पटवार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आएगा, इस वजह से मैंने ये नया स्टार्ट किया, ठीक है।
तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद मैंने बताई दिए आपको, भाग 6 है ये, और आर्टिकल 153 से 167 तक सीधे सीधे जो आर्टिकल्स दे रखे हैं वो राज्यपाल से रिलेटेड दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 153 में क्या है, राज्यों में राज्यपाल होगा, संवैधानिक विधान दे रखा है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल होगा अर्थात हर राज्य के अंदर कोई ना कोई राज्यपाल होगा, ठीक है। थोड़े समय के लिए पद रिक्त रह सकता है, लेकिन अधिक समय के लिए इसका पद रिक्त नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो राज्यों में राज्यपाल होगा, जैसे आरएएस प्रीलिम्स के अंदर 2013 हो, 2013 का पेपर हो, 2016 का पेपर हो, या फिर 2018 का पेपर हो, राज्यपाल से 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए, ठीक है ना। और 3 क्वेश्चन यदि राज्यपाल से पूछे गए हैं तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिलान के आए हैं, और वो भी किसके मिलान के आए, अनुच्छेदों के मिलान के आए हैं, और उसमें ज्यादा से ज्यादा संभावना किसकी रही है, अनुच्छेदों की रही है। कि आपको यदि अनुच्छेद पता है राज्यपाल वाले, तो आपका क्वेश्चन या फिर 1 नंबर या 1.5 नंबर कहीं भी नहीं गया, या फिर 2 नंबर मान सकते हो, केवल अनुच्छेद अनुच्छेद से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 153 जो है आर्टिकल क्या है कि राज्यों में राज्यपाल होगा। 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल के अंदर निहित होगी, यानी ये संवैधानिक प्रमुख हो गया। आर्टिकल 154 पता ही चल गया आपको। इसके जस्ट बाद 155 आता है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मैंने बताई दिया, नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, 35 साल होना चाहिए वो, ठीक है ना, दिवालिया नहीं होना चाहिए, विधानसभा सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से 5 कंडीशन है, ठीक है। 155 आर्टिकल तक हमने कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 156 पे चलते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल। इसमें हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, 7 साल होगा, ठीक है ना। तो ये कोई फिक्स नहीं दे रखा है। आपने देखा होगा कि आज राजस्थान का राज्यपाल है तो कल की डेट में वो हरियाणा का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। वो किसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर जो संविधान में लिखा हुआ है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर है, उसमें केंद्र सरकार नहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको किसी और राज्य का राज्यपाल बना सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राज्यपाल का कार्यकाल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 157 क्या कहता है, राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता बोलता है, ठीक है। अर्हता में मैंने बता दिया आपकी योग्यता, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अर्हता में मैंने आपको 5 कंडीशन बता दी है, ठीक है। अब आपको आर्टिकल्स पता चल गए होंगे, 153, 154, 155, 156, 157। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, ठीक है। अगले आर्टिकल है 158 है, 158 अगला आर्टिकल है, राज्यपाल कार्यालय के लिए कौन कौन सी दशाएं। देखो जैसे राष्ट्रपति का कार्यालय होता है वो भी एक संवैधानिक प्रमुख होता है, और इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि राज्यपाल का कार्यालय नहीं होगा, राज्यपाल का कार्यालय भी होगा और संविधान में उसका उल्लेख भी दिया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, एक तरफ देखो आप राज्यपाल हो गया, ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय हो गया, और एक तरफ मुख्यमंत्री का कार्यालय हो गया, ठीक है ना। राज्यपाल तो मनोनीत होता है, मनोनीत इन द सेंस केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री का क्या होता है, निर्वाचित होता है, मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ, ठीक है ना। शक्तियां किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है सारी की सारी, ठीक है ना। वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री है, और ये कौन है, संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तो इस जो व्यवस्था को क्या कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर व्यवस्था कहते हैं, या फिर जो संसदात्मक व्यवस्था होती है ना, यही बोला जाता है इसको, ठीक है। ठीक है, अगले आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं, 159, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। शपथ ग्रहण 159 आर्टिकल है, और आपने देखा होगा कि अनुसूचियों के अंदर, अनुसूची में भी शपथों का प्रावधान है, ठीक है ना। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुसूची के अंदर भी शपथ है, लेकिन राज्यपाल की शपथ अलग से दी गई है, वो भी आर्टिकल्स के थ्रू दी गई है। तो 159 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगला आर्टिकल है, मैं जो मेन मेन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज्यादा
ज्यादा फोकस करूंगा उस आर्टिकल पर। इसी तरीके से 160 आर्टिकल क्या है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के बहुत सारी आकस्मिक परिस्थितियां होती है राज्य के अंदर, जैसे संवैधानिक तंत्र फेल हो गया आर्टिकल 355 की तरह, या फिर 356 में कोई विद्रोह हो गया राज्य के अंदर, ठीक है ना, और वहां की जो राज्य की जो व्यवस्था है वो भंग हो चुकी है, तो आकस्मिक परिस्थितियों में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और निर्देश कौन देगी, केंद्र सरकार देगी, तो ये आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अनुच्छेद 161 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति है। राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति में क्या होगा कि इसमें केवल इसको मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार नहीं होता, और इसके अलावा ये लघुकरण कर सकता है कि किसी को बहुत ज्यादा सजा हुई है कि कठोर कारावास हुआ है, 20 साल का कारावास है, तो उसका लघुकरण कर सकता है, ठीक है, परिहार कर सकता है, अवधि को कम कर सकता है, या फिर कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में बदल सकता है। ये सारी शक्तियां राज्यपाल को है, और इसी तरीके से हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें थोड़ा सा हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अगली जो आगे की स्लाइड से ना, जो एंड की स्लाइड से राष्ट्रपति शासन के बाद, तो उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में कौन कौन सी अंतर है, उसके आधार पर आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है ना, वो एंड की स्लाइड से, ठीक है ना। राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्तियां आपको पता चल गया, अनुच्छेद 161 है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से 162 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया 161 याद रहना चाहिए, ठीक है, 159, ठीक है, 158, और मैंने पिछली जो स्लाइड्स में बताया था आपको 153, यहां से राज्यपाल स्टार्ट होता है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, और 157 अहर्ता, जो मैंने 5 कंडीशन बनाई बताई थी ना उसकी, वो वाली, ठीक है। अगली स्लाइड्स पर चलते हैं हम, आर्टिकल 163 के बारे में बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। देखो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में जो कनेक्टिविटी मैटर है वो है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद ने कोई संकल्प ले लिया है तो राज्यपाल उसकी सूचना ले सकता है मुख्यमंत्री से, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 163 में यह भी संवैधानिक प्रावधान है पूरा का पूरा कि मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, और सहयोग तथा सलाह किसके माध्यम से दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के माध्यम से दिया जाएगा, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। 163 नंबर, 164 में क्या दे रखा है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है जैसे कार्यकाल, नियुक्ति, वेतन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। हाँ, ये अगला जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था एडवोकेट जनरल बोलते हैं महाधिवक्ता, जैसे कि अभी केसेस चल रहे हैं आरएएस इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के मैटर काफी चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर पैरवी कौन करेगा, सरकार की ओर से महाधिवक्ता करता है, यानी जो वकील होता है सरकारी वकील बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता, और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करेगा, ठीक है ना। अनुच्छेद भी याद रखना है आपको, आर्टिकल 165, और ये भी हमारे सिलेबस के अंदर। 166 आर्टिकल क्या कहता है, राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। 167 इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का क्या क्या दायित्व होते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस बार क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाने की संभावना है, पटवार हो या फिर आरएएस प्रीलिम्स हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी में आर्टिकल से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, अब मैंने बता दिया आपको 153 आर्टिकल से लेकर 167 तक क्या दे रखा है, राज्यपाल के बारे में दे रखा है, और सीधे सीधे आर्टिकल्स दे रखे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 174 है, ठीक है ना। 174 क्या कहता है कि राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और उसका भंग होना, कि राज्य विधायिका का सत्र है, ठीक है ना, ये विधानसभा से रिलेटेड है, उसका सत्रावसान या सत्र की समाप्ति कब हो रही है, यदि जो सरकार है जैसे कि राजस्थान सरकार है उस पर यदि बहुमत नहीं है तो उसको भंग करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है, तो ये 174 में दे रखा है, ठीक है ना।
इसी तरीके से ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और ये 175 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने का या संदेश देने का अधिकार है। ठीक है ना, राज्यपाल विधानसभा में को संबोधित भी करेगा और संदेश भी दे सकता है। किसके माध्यम से देगा? मुख्यमंत्री, या फिर खुद ही वह घोषणा कर सकता है। ठीक है ना, आर्टिकल 176 क्या कहता है? विशेष संबोधन है। ठीक है ना, तो इन आर्टिकल्स को आप याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 13-14 आर्टिकल्स हैं, वहां से आपको एक से दो क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 200 क्या कहता है? विधेयक पर सहमति के बारे में, कि जिस तरीके से विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है, वो एक्ट जब भी बनेगा या कानून जब भी बनेगा, जैसे कि राज्यपाल की सहमति होगी या फिर राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद ही वो कानून बन पाएगा। तो ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और विधेयक को रोक सकता है या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, तो उस पर भी हम आगे की स्लाइड्स पर चर्चा करेंगे। अभी हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने कितने आर्टिकल्स की चर्चा कर ली? 174 का बता दिया कि राज्य विधायिका का सत्र कौन बुलाएगा, वो भी राज्यपाल बुला रहा है, और उसको समाप्त कौन करेगा, वो भी राज्यपाल कर रहा है, और उसको भंग भी राज्यपाल के हाथ में है यदि जो सरकार है उस पर बहुमत ना हो उस स्थिति में। ठीक है ना, ठीक है। विधेयक पर सहमति 200 है, याद रखना। और 201 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 201। यदि राज्यपाल को लगता है कि ये जो विधेयक आया है वो संघ से रिलेटेड हो गया या फिर किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न से रिलेटेड हो, तो वो राज्यपाल क्या करेगा, आर्टिकल 201 के तहत उसको ये सुविधा दी गई है कि वो उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है ना, और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगली स्लाइड्स पर चलते हैं। देखो, आर्टिकल 213 कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। आर्टिकल 213 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब विधानसभा सत्र में ना हो, विधानसभा सत्र में ना हो उस समय यह क्या कर सकता है? विधानसभा सत्र में नहीं है तो उस टाइम पर यह अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश जारी कर दिया तो वो कानून बन गया। ठीक है ना, कानून बन गया, और कितने टाइम तक वैलिड रहता है? वो 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है, या जैसे कि विधानसभा स्टार्ट होती है उसके 6 सप्ताह तक विधानसभा यदि रेटिफाई कर देती है तो वो कानून आगे के समय के लिए भी रहता है। इसी तरीके से हमने हाईकोर्ट भी पढ़ा था, हाईकोर्ट के अंदर आर्टिकल 217 देखा था कि राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह लेता है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखना, राष्ट्रपति की सलाह याद रखना, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह होती है, एक राष्ट्रपति की सलाह होती है, इन सबों की सलाह चलती है। किसके अंदर चलती है? ये चलती है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। ठीक है, और जैसे कि आप जिस जिले में रहते हो तो वहां पर जिला न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायाधीश होते हैं, जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 217 राज्यपाल से रिलेटेड है, किन की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति के बारे में इसको अधिकार है, और 233 में सीधे सीधे राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, और इसमें किसकी सलाह लेगा? इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है, वो अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो 233 आर्टिकल आपको पता ही है, जो जिला न्यायालय होते हैं या फिर इनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। 233 से आर्टिकल 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय दे रखे हैं, तो उसमें भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से आर्टिकल 234 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं है, ये अलग नियुक्ति है। ठीक है ना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तो किसमें दे रखी है? आर्टिकल 233 में। न्यायिक सेवा में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और इसमें सलाह किसकी ली जाती है? हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह ली जाएगी, जैसे कि
आप जिस जिले में रहते हो वहां पर न्यायिक सेवा के अंदर, जो जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, एक तो सीधे सीधे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसके अलावा जितने भी पद होते हैं वो न्यायिक सेवा के अंदर आते हैं, तो उसके लिए भी संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 234 के अंदर। अब आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से हम आर्टिकल्स को याद करेंगे। और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद मैंने एक ही जगह कर दिए हैं, और भी जितने भी अनुच्छेद थे मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिए, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब शक्तियों की चर्चा करते हैं। राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? कार्यकारी शक्ति होती है, तीन तरीके की शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, ठीक है, न्यायिक शक्ति होती है, ठीक है ना, और क्षमादान करने की शक्ति। तो चार तरीके की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, राज्यपाल की शक्तियां, ठीक है। कार्यकारी शक्तियों में कौन कौन से आएंगे कि जितने भी कार्य हैं राज्य सरकार के, राज्य सरकार जैसे राजस्थान सरकार के जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम पर किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, जो मोहर लगती है या फिर वो राज्यपाल के नाम से लगती है, ठीक है। इसी तरीके से नियुक्तियां जितनी भी आ गई, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर रहा है, या इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति कर रहा है, या फिर आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है ना, या फिर सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है, तो वो भी इसकी कार्यकारी शक्तियों के अंदर ही आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो संवैधानिक प्रावधान दे रखा है कि चार राज्य हैं जहां पर आदिवासी जनसंख्या हो, या फिर जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, जहां पर जनजातियों की ज्यादा संख्या है, तो फिर यहां पर मुख्यमंत्री को जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इन जो चार राज्य हैं इनमें जनजाति कल्याण मंत्री बनाए जाते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मैंने बताई दी आपको, राज्यपाल महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता का आर्टिकल आपको पता होगा, आर्टिकल मैंने बताई दिया है आपको, आर्टिकल 165 किससे रिलेटेड है? महाधिवक्ता से रिलेटेड है, इसको याद रखना। 165 आर्टिकल जो है वो महाधिवक्ता से रिलेटेड है, ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियां अब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जितने भी कार्य हो रहे हैं, गजट निकल रहा है, नोटिफिकेशन जितने भी आ रहे हैं, टेंडर राज्य सरकार के जितने भी आ रही हैं, निविदा कितने भी आ रही हैं, वो सारी की सारी किसके नाम से होती है? राज्यपाल के। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि राज्य सरकार का कोई कार्य है, तो नीचे लिखा होता है उसमें राज्यपाल की आज्ञा से, ठीक है ना, तो वही उसकी कार्यकारी शक्तियां में आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने बता दिया, नियुक्तियां बता दी और महाधिवक्ता के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड्स पे चलते हैं हम। अब हमने कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली है, अब हम आगे विधायी शक्तियों की, यानी जो विधानसभा हुई, विधान परिषद हुई, उससे रिलेटेड जितनी भी शक्तियां हैं राज्यपाल की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहली जो विधायी शक्ति देखते हैं राज्यपाल की, वो है कि ये विधान परिषद में जो कुल सदस्यों का 1/6 भाग को मनोनीत करता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। विधान परिषद वाला भी लेक्चर मेरा YouTube अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है कि जितने के राजस्थान में, जैसे विधान परिषद राजस्थान के अंदर नहीं है, केवल विधानसभा है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, 100 सदस्य हैं विधान परिषद में, तो 100 सदस्य का 1/6, ठीक है ना, इस तरीके से 1/6, ठीक है ना। तो लगभग 16 सदस्य जो होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और वो जैसे साहित्य में बहुत अच्छा व्यक्ति है कोई, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत शानदार है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति कर सकता है। इसी तरीके से सहकारिता आंदोलन, ये शब्द दे रखा है इसमें, ठीक है ना, सहकारिता आंदोलन में उसका योगदान हो तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये कितने होंगे? 1/6 भाग होंगे, ठीक है ना, मनोनीत कर सकता है, ठीक है। आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक है, कोई आंग्ल भारतीय समुदाय, और ये सदस्य संख्या कितनी होगी? एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि किसी राज्य में आंग्ल भारतीय नहीं है तो वहां पर इनकी नियुक्ति नहीं होती है, लेकिन जहां पर है तो वहां से प्रतिनिधित्व लेने के लिए इनको मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना। और राज्यपाल की विधायी शक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो है
विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, उसके अधिवेशन को बुलाता भी है, ठीक है ना। अधिवेशन को बुलाना आहूत करना कहते हैं उसको, ठीक है ना। जो शब्द है वो आहूत करना यानी बुलाना, अधिवेशन बुलाना। जैसे कि शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, जैसे राजस्थान, राजस्थान विधानसभा, इसके अलग अलग सत्र चलते हैं। और उसके अलावा जब सत्र नहीं चलते तब वो अध्यादेश जारी कर देता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अधिवेशन को आहूत करता है, ठीक है। उसके अलावा सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब अधिवेशन का अंत कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। और विघटन किस स्थिति में होता है? विघटन होता है जब सरकार पर पूर्ण बहुमत नहीं होता। जैसे कि अभी परिस्थितियां आई थी कुछ राजस्थान के अंदर, जब वहां पर ये लग रहा था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, उस स्थिति में जो यहाँ के राज्यपाल थे तो उनके पास अधिकार था कि इसको विघटन कर दे, या फिर प्रस्ताव लेके आए, अविश्वास प्रस्ताव को पास कर लेती है सरकार तो वो विघटन नहीं होगा, बहुमत सिद्ध कर देगी। तो इस तरीके से आपको विघटन का भी मतलब पता चल गया होगा। आहूत कर सकती है, सत्रावसान कर सकते हैं, और विघटन, तीनों चीजें किसके हाथ में? राज्यपाल के हाथ में। और विघटन किस स्थिति में होगा? जब राज्य सरकार पर क्या नहीं होगा? बहुमत नहीं होगा विधानसभा में। जैसे कि राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि 100+ पर बहुमत, यानी इस जैसे राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार है या गहलोत सरकार है, इस पर गहलोत जो सरकार है उस पर ये कब प्रॉब्लम आ सकती है? जब इसके पास 100 से कम विधायक होंगे। तो उस स्थिति में 100 से कम विधायक रहने पर क्या हो सकती है? विघटन हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। विधायी शक्ति में और क्या कर सकते हैं हम, जो राज्यपाल की है, कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में अभिभाषण करता है। विशेष अभिभाषण भी बोल सकते हैं इसको, कि जो भी सत्र प्रारंभ हो रहा है। अभिभाषण का मतलब हो गया एड्रेस करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एड्रेस करना बोलते हैं, ठीक है ना, एड्रेस बोलते हैं। जैसे किसी को संबोधित बोलते हैं ना, तो जो भाषा का जो यूज किया गया है संविधान के अंदर, अभिभाषण बोला गया है इसको, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में अभिभाषण करता है। जैसे शीतकालीन सत्र आया, या फिर ग्रीष्मकालीन सत्र आया, या फिर सत्र प्रारंभ ही हो रहा है, तो उसमें पहला अभिभाषण कौन करेगा, एड्रेस कौन करेगा विधानसभा को? वो करता है राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्यपाल के पास एक और शक्ति होती है, वो क्या होती है? विधायी शक्ति होती है, विधानसभा से रिलेटेड। कि यदि विधानसभा का अध्यक्ष का पद खाली या फिर उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो उस स्थिति के अंदर, उस स्थिति के अंदर क्या करेगा राज्यपाल? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। देखो जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ही वन डे एग्जाम या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से बिना मिस्टेक के सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। इसी तरीके से विधायी शक्ति में अगला क्या है, कि विधानमंडल ने या फिर विधानसभा ने कोई कानून पारित कर दिया, तो जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कानून कब बनेगा? राज्यपाल जब उस पर अनुमति दे देगा, साइन कर देगा, तभी वो कानून बनेगा, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा वो राष्ट्रपति के पास भी उस विधेयक को भेज सकता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगले स्लाइड्स पर चलते हैं। देखो हमने कार्यकारी शक्तियों के बारे में देख लिया, कार्यकारी शक्तियों के बारे में आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। हमने देख ली विधायी शक्तियां कौन कौन सी राज्यपाल की, वो भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं, यानी पैसे से रिलेटेड शक्तियां कौन कौन सी हैं राज्यपाल की, ठीक है ना। यदि किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो अगला है, पीडीएफ अवेलेबल होगी क्या, इसकी क्वेश्चन है आपका। पीडीएफ जैसे आप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पर मैं भी एमसीक्यू की क्लास ले रहा हूं, तो वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप
जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, यहां पर मैं क्या कहते हैं सीधे सीधे क्लास ले रहा हूं, और वहां पर मैं एमसीक्यू की क्लास लूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आज ये चैप्टर कराया है, ठीक है, राज्यपाल और राजस्थान के संदर्भ में कराया, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का तो बताया मैंने, लेकिन इसके अलावा ये पटवार के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये आरएएस प्रीलिम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जैसे कि 7 तारीख को मेरी क्लास होगी, किस पे होगी, लर्निंग ऐप के ऊपर होगी, ठीक है, सुबह 10 बजे, 10:30 बजे के समय पर, उस पर मैं राज्यपाल से रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप आ सकते हो, क्विज को ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल क्लास के अंदर, और वहां पर आंसर दे सकते हो, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि राज्यपाल से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। वैसे तो मैंने यहीं पर बता दिया कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आप क्विज ज्वाइन करोगे तो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये कार्यकारी शक्ति कर ली है हमने, विधायी शक्ति कर ली, और वित्तीय शक्तियां कर ली। देखो, पहला जो पॉइंट है वित्तीय शक्तियों में, वो है धन विधेयक से रिलेटेड। धन विधेयक आर्टिकल कितना है, 108 आर्टिकल है, ठीक है ना, याद रखना 108 आर्टिकल धन विधेयक से रिलेटेड है। विधानसभा के अंदर, कोई सी भी विधानसभा हो, उसके अंदर जो धन विधेयक आएगा वो राज्यपाल की पूर्व सहमति के पश्चात ही आएगा, ठीक है ना। राज्यपाल से पहले जो धन विधेयक की फाइल किसके पास जाएगी, राज्यपाल के पास जाएगी, उसके साइन लिए जाएंगे, फिर वो विधानसभा में या विधान परिषद में पेश होगा, फिर विधानसभा के बाद फिर द्वारा राज्यपाल के साइन होंगे, तभी तो वो एक्ट बनेगा। और उस टाइम पर राज्यपाल मना नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले ही अनुमति ले ली गई है, ठीक है ना। तो वित्तीय शक्तियां में सबसे पहला पॉइंट जो है धन विधेयक से रिलेटेड है, आर्टिकल 108 से रिलेटेड है, ठीक है ना। धन विधेयक किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 108 के अंदर इसकी चर्चा की गई है, और राज्यपाल की पूर्व सहमति से धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वित्तीय शक्तियों में कि आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि कैसी होती है, कंटेंजेंसी फंड बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, कि यदि राज्यपाल को लगता है कि अग्रिम धनराशि लेनी है मुझे, तो वो आकस्मिकता निधि से निकाल सकता है, उसी को ये अधिकार है राज्यपाल को, और किसी को ना, तो मुख्यमंत्री को अधिकार है, ना मंत्रिपरिषद को अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं है, केवल राज्यपाल को आकस्मिकता निधि या फिर कंटेंजेंसी फंड। जैसे कि कोई बहुत बुरी सिचुएशन आ गई, वित्तीय विषमता आ गई, या फिर बहुत ज्यादा वित्तीय क्राइसिस आ गई राज्य के अंदर, तो उस टाइम पर आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है राज्यपाल, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट होगी, राज्य वित्त आयोग पता ही है आपको, जो राज्य राज्य सरकार होगी और पंचायत या फिर नगर निकाय हो गए, या फिर जो स्थानीय निकाय होंगे, जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे अभी इस टाइम पर जिनके चुनाव चल रहे हैं, नगर निकायों के चुनाव भी चल रहे हैं, तो जो फंडिंग होती है, जैसे कि राज्य सरकार किनको पैसा देती है, वो स्थानीय निकाय को देती है, तो इसकी सिफारिश कितना परसेंटेज राज्य सरकार अपने पास रखेगी टैक्सेस का, और कितना परसेंट लोकल बॉडीज को दिया जाएगा, इसकी अनुशंसा कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। और 243 के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है ना, जो पंचायतें हैं या फिर नगर निकाय है उसके अंदर अलग से इसका उल्लेख दे रखा है, और ये संवैधानिक संस्था है, याद रखना, और 5 साल में एक बार ये बनाई जाती है, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य वित्त आयोग तथा कैग की रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में होता है, ठीक है, 4-5 राज्य वित्त आयोग है टोटल जो अभी तक बने हुए हैं, तो उसको आप याद रखना। तो वित्तीय शक्तियों में हमने देख लिया कि धन विधेयक किसकी पूर्व सहमति से बनाया जाएगा, राज्यपाल की पूर्व सहमति से पेश किया जाएगा, ठीक है। कंटेंजेंसी फंड में से पैसा लेने का अधिकार किसको है, केवल राज्यपाल को है, और राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और कैग की रिपोर्ट किसके पटल पर प्रस्तुत करवाता है, विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करवाता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, हमने देख लिया कार्यकारी शक्तियां, देख ली विधायी शक्तियां, देख ली राज्यपाल की, और वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल की इसमें न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है। जैसे कि राज्य विधि होती है कोई, उसके तहत किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, जैसे कठोर कारावास दिया गया है, तो
कठोर कारावास को वो साधारण कारावास में बदल सकता है, पर लेकिन याद रखना राज्य विधि के तहत दोषी ठहराया गया हो उसी उसी के तहत ये इसके पास शक्ति है कि उसको क्षमा दे सकता है, विराम लगा सकता है, परिहार या फिर लघुकरण कर सकता है। परिहार या फिर लघुकरण, जैसे कि 20 साल की अवधि की किसी को कारावास दिया गया है तो उसको 10 साल में शिफ्ट कर सकता है, या फिर कठोर कारावास दिया गया है किसी व्यक्ति को तो उसको साधारण कारावास में चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 161 याद रखना है और राज्य विधि याद रखनी है और दंड को क्षमा विराम लघुकरण कर सकता है। और इसमें एक चीज याद रखना कि मृत्यु दंड के मामले में मैंने बताई दिया है ऑलरेडी पहले आपको कि मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता ये, इसका अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को ही मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार है और किसी को नहीं है, राज्यपाल को नहीं। ठीक है, 5 तरीके की देख ली। अब आपात शक्तियां देख लेते हैं। आपात शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। आर्टिकल कौन कौन से हैं पता ही होगा आपको, आर्टिकल 355 और 356। ये राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन जो लगता है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो शब्द है उसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है। संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है ना, आर्टिकल 355 और 356 याद रखना, ये दोनों किसके? राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र फेल होगा तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले वो रिपोर्ट भेजेगा। कौन रिपोर्ट भेजेगा? राज्यपाल। जैसे कि राजस्थान में अब तक कितने राष्ट्रपति शासन लगे हैं? 4 बार लगे हैं, तो राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है। ठीक है ना, केंद्र सरकार उस पर चर्चा करती है और इस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मणिपुर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगे हैं, और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब के अंदर लगा था, याद रखना है, वहां पर विद्रोह हुआ था पंजाब के अंदर। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, और सबसे ज्यादा मणिपुर वगैरह पूर्वांचल या फिर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लगा है। ठीक है ना, और राजस्थान में मैंने बताई दिया है आपको, और अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल कौन था प्रथम, जो राष्ट्रपति राजस्थान में लगा था सेकंड टाइम पर कब लगा था, मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, सबके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया आपात शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमने देख लिया राज्यपाल के बारे में पूरा का पूरा, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति देखी, विधायी शक्ति देखी, न्यायिक शक्ति देखी, और आपात के टाइम पर शक्तियों की चर्चा करी, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की योग्यता के बारे में चर्चा की, और राज्यपाल से रिलेटेड मुख्य मुख्य जो आर्टिकल्स थे उसके बारे में पूरी चर्चा कर ली। अब हम राजस्थान के जो राज्यपाल से रिलेटेड जो प्रमुख प्रमुख तथ्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं बुक्स में से मैंने अपनी पीपीटी में या फिर स्लाइड्स में डाले हुए हैं। ठीक है ना, जो पहला पॉइंट है वो है राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। उससे पहले आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा राजस्थान के एकीकरण की चर्चा की थी हमने। एक सेकेंड, ठीक है ना, राजस्थान के एकीकरण की चर्चा की थी। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरण थे। ठीक है ना, 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होता है, और 7वां चरण कब होता है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से ही याद रखना है, 7वें चरण पर राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, उससे पहले राज्य के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय सेकंड। ठीक है ना, 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 रहे थे। ठीक है ना, इसके बाद कौन आ गए थे? गुरुमुख निहाल सिंह आ गए थे। ठीक है ना, जो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल रही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि बाद में राष्ट्रपति बन गई थी। ठीक है ना, दूसरे नंबर की थी प्रभा राव, थी प्रभा राव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। याद रखना है आपको महिला राज्यपाल के बारे में, पूछ सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ सकता है, पटवारी एग्जाम में भी पूछ सकता है, कि 4 आपको ऑप्शंस दे दें कि इसमें से कौन सी राजस्थान की राज्यपाल नहीं थी, तो 3 तो ये मिल जाएंगे आपको ऑप्शंस में और 14 नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको तीनों पता होने चाहिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति रही थी प्रभा राय, ठीक है ना, और साथ में मार्गरेट अलवा। ठीक है, अब देख लेते हैं
इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, दरबारा सिंह थे सबसे पहले, ठीक है, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और श्रीमती प्रभा राव, मैंने बता दिया जो महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी राजस्थान की राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल थी जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो वो कौन थी, श्रीमती प्रभा राव थी। ठीक है, अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। राज्यपाल पद की शुरुआत 1 नवंबर 1956 से हुई थी, इससे पहले मानसिंह सेकंड थे, ठीक है ना, 30 मार्च 1949 से राजस्थान दिवस था ना, ट्रिपल जे भी शामिल हुए थे, ध्यान है ना, कौन सा चरण था वो, ट्रिपल जे भी, जब जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर बीकानेर रियासतें शामिल हुई थी, उसी दिन हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। वहां से लेके 1 नवंबर 1956 तक राज्य प्रमुख या फिर बोल सकते हो राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे, मानसिंह सेकंड थे। उसके बाद जो प्रथम राज्यपाल आए थे उस टाइम पर कौन आए थे, गुरुमुख निहाल सिंह आए थे, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसके आधार पर 14 राज्यों का निर्माण हुआ था, ठीक है ना, वो ही था, उसी से आप अनुमान लगा सकते हो, उसको इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले राज्यपाल कौन से थे और सबसे अधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का था, वो थे तुम्हारे गुरुमुख निहाल सिंह थे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 1967 में लागू हुआ था, और उस टाइम पर राज्यपाल आपको याद रखना डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आरपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस टाइम पर कौन राज्यपाल थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ठीक है। इसके अलावा सरदार जोगेंद्र सिंह थे प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो हर कोई हर किसी को पता होता है कि गुरुमुख निहाल सिंह जो कि प्रथम राज्यपाल थे 1956 में बने थे, ठीक है ना। संपूर्णानंद के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जितने भी राष्ट्रपति शासन थे उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। रघुवर तिलक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आरपीएससी एग्जाम ले रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएस प्रीलिम्स हो, या फिर अधीनस्थ बोर्ड में भी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है, किसी के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, वहां भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आरपीएससी ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो आरपीएससी के सदस्य रहे, तो कौन थे, रघुवर तिलक थे, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। मैंने बता दिया आपको 4 बार राष्ट्रपति शासन बताया था 1967 में, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ठीक है ना, जहां पर तो प्रथम राष्ट्रपति शासन लग रहा था, लेकिन 1993 में हमारा अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान के अंदर, उसके बाद कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। उस समय पर राजस्थान में कौन थी राज्यपाल, तो वो राज्यपाल कौन थी 1993 के अंदर, डॉक्टर मणिचंदा रेड्डी। आपको याद होगा उस टाइम पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और जहां जहां पर सरकारें थी वहां पर लगभग बीजेपी शासित जो राज्य थे वहां पर जितनी सरकारें थी उनको बर्खास्त किया गया था, तो इसको भी आप याद रखना, इससे आपको याद रहेगा बाबरी मस्जिद से 1993 में राष्ट्रपति शासन यहाँ भी लगा था, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और राज्यपाल कौन थी, डॉक्टर मरिचन्ना रेड्डी राज्यपाल थी, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे प्रीलिम्स में भी आ चुका है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे राजस्थान के जिनका कार्यकाल सबसे कम समय का था, मात्र 24 दिन का कार्यकाल था इनका, कौन से राज्यपाल थे, वो थे दरबारा सिंह, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन होती कि प्रथम राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, मैंने बताई दिए थे आपको 4 राज्यपाल बताए थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, कौन कौन से थे, दरबारा सिंह थे, निर्मल चंद जैन थे, शैलेंद्र कुमार सिंह थी और श्रीमती प्रभा राव थी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, निर्मल चंद जैन के बारे में बताई दिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह पाटिल जो कि राष्ट्रपति बनी थी, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। अब इसी पर क्वेश्चंस बन सकता है, कैसे क्वेश्चंस बन सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दे कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, या फिर दूसरा स्टेटमेंट दे दे राष्ट्रपति के बारे में दे दे, तो ये भी इस तरीके से भी पूछा
यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चंस, अगली स्लाइड्स पे चलते हैं हम। शैलेंद्र कुमार सिंह, देखो दरबारा सिंह हो गए, जिनका कार्यकाल सबसे कम समय का था और सबसे पहले राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर शैलेंद्र कुमार सिंह थे, प्रभार राव थी, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। प्रथम राज्यपाल तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया, लेकिन पहली महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु, इसमें कंफ्यूज मत होना, इनकी तो मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए, और वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन थी, प्रथम राज्यपाल थी, ठीक है। श्री राम नाईक, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, ठीक है। मैंने आर्टिकल 7वां संविधान संशोधन बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया था मैंने, 7वां कौन सा था, 1956 के अंदर आया था, ठीक है। संविधान में संशोधन किया गया था संसद के द्वारा, उसमें क्या बताया गया था, एक व्यक्ति, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। 7वां जो संविधान संशोधन था, वॉइस क्लियर आ रही है, अब देखो बताओ, एक बार दोबारा रिपीट कर देना यदि वॉइस प्रॉब्लम दोबारा आ रही है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं, श्री राय, अच्छा रुक रुक कर आ रही है, ठीक है फ्लो में चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको, 7वां संविधान संशोधन की बात की थी मैंने आपसे, जो कि 1956 में संसद में पारित किया था, तो उसमें क्या था कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट था कि राम नाईक बने थे, राजस्थान के राज्यपाल बने थे और साथ में यूपी के भी राज्यपाल बने थे, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कल्याण सिंह थे, जो कि बाबरी विध्वंस के टाइम पर, 1993 का टाइम था ना बाबरी विध्वंस का, जिसमें राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो यहां पर भी डॉक्टर मरीचन्ना रेड्डी तो कौन थी, राज्यपाल थी, ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे। यूपी के अंदर ही तो हुआ था बाबरी विध्वंस, अयोध्या के अंदर, तो उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे, बाकी यूपी के कल्याण सिंह थे। तो आपको तीन चार फैक्ट तो याद रखने हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन मुख्यमंत्री थे 1993 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, राज्यपाल कौन थी मैंने बताई दिया है, ठीक है, और साथ में यूपी के अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था। तो इससे आपको, प्रदीप कल्याण सिंह कितने नंबर है, कितने नंबर है, मतलब क्वेश्चंस नहीं समझ पाया आपको, ठीक है। कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बाद में अभी हाल ही में राज्यपाल भी राजस्थान के बने थे, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि नंबर कितना था, ठीक है। नंबर पूछा जाता है विधानसभा का, नंबर पूछा जाता है कि विधानसभा कौन सी है, 15वीं विधानसभा है, 14वीं विधानसभा है। राज्यपाल तो चेंज होते रहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार की इच्छा पर है, या फिर जो संविधान में उल्लेख है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर ही, इच्छा पर है, ठीक है ना, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगे थे और कौन कौन सी परिस्थितियां थी। अच्छा क्रम में पूछे हो आप, तो क्रम नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आज इस टाइम पर राजस्थान के राज्यपाल है और कल किसी और को भी चेंज किया जा सकता है, तो कितने क्रम को याद रखोगे आप, मुख्यमंत्री के क्रम को याद रखिए, ठीक है, विधानसभा इंपॉर्टेंट है, विधानसभा के क्रम को याद रखिए। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था, कौन कौन सी परिस्थितियां थी उस टाइम पर। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, ठीक है ना, 42 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, 13 मार्च से 26 अप्रैल तक लगा था। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। उस टाइम पर आपको पता ही है कि मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो सबसे ज्यादा समय के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जो है। अच्छा आ गया, तो मैंने तो नहीं देखा अभी तक ये ऐसा क्वेश्चन आया होगा, और आ जाए तो फिर इतने जो क्रम को कौन याद करेगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पर, मोहनलाल सुखाड़िया। इनकी जो सरकार थी अदमत में थी, या फिर राजस्थान में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और राजस्थान के सबसे जो लंबे टाइम के 17 साल तक मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया थे,
ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखना। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चंस क्या था कि राजस्थान में जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे, तो आपको राज्यपाल पर फोकस करना है। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1973 में लगा था, और ये सबसे ज्यादा लंबा चला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था, पहला राष्ट्रपति शासन था, दूसरा राष्ट्रपति शासन था, तीसरा राष्ट्रपति शासन था। बिल्कुल महेश, आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी, डेली 8:30 बजे रहेगी, ठीक है ना। अभी बीच में ब्रेक लग गया था क्लास में, अब ये द्वारा कंटिन्यू रहेगी और राजस्थान की पॉलिटी चलेगी, रोज राजस्थान की पॉलिटी चलेगी, जो कि आपको मेनली मैंने थोड़ा डीपली इसमें ले रहा हूं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कॉलेज लेक्चर में थोड़ा डीपली आता है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने ये रखा है ये वाला पूरी की पूरी क्लास। और इसके अलावा ये पटवार के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और आरएस के अंदर भी, इसमें से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस 100% मिलेंगे। और मैंने इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों को कंबाइंड करके ये जो नोट्स हैं वो तैयार किए हैं, जिससे आपको अलग से राजस्थान को पढ़ने की जरूरत महसूस ना हो, ठीक है ना। एक ही क्लास में राज्यपाल और राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्यपाल के बारे में, वो क्लियर हो जाए। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है दोबारा, ठीक है। पटवारी पॉलिटी, इस पे मैं यदि ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो फिर मैराथन क्लास ले लेंगे पटवारी वाले पे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए। जो भी क्लास ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए, जो भी मैं चैप्टर करा रहा हूँ वो ऑलरेडी पटवार सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। राज्यपाल इंडियन पॉलिटी के अंदर भी, पटवारी के अंदर है, और राजस्थान के राज्यपाल भी हैं, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है ना, दोनों है, ठीक है ना। यदि ज्यादा डिमांड हुई तो मैं पटवारी के लिए मैराथन क्लासेस 3 से 4 घंटे में राजस्थान की पॉलिटी खत्म कर दूंगा, ठीक है ना, अगर महसूस हुआ जाता, ठीक है। पहला राष्ट्रपति शासन, चारों राष्ट्रपति शासन आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए कि पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में बना था और 42 दिन का लगा था, 1967 में मार्च अप्रैल का माह था, मोहनलाल सुगाड़िया थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा राष्ट्रपति शासन था, इस टाइम पर आप देखोगे इंदिरा गांधी की सरकार थी और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगे थे, ठीक है ना, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल का कौन सा आर्टिकल है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पर भी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर केंद्र में, और राजस्थान में कौन थे उस टाइम पर, मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी थे। हरदेव जोशी के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है, क्या फैक्ट याद रखना है, कि ये जीवन पर्यंत कौन रहे थे, विधायक रहे थे, जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक ये विधायक रहे थे, पहली बार चुने गए उसके बाद मृत्यु पर्यंत ये विधायक रहे थे, ठीक है ना। तो हरदेव जोशी इंपॉर्टेंट है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे ये राजस्थान के, इसको भी आप याद रखना। सरदार जोगिंदर सिंह थे उस टाइम पर, दूसरे राष्ट्रपति शासन के टाइम पर कौन थे, राजस्थान के राज्यपाल थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है पूरे देश में उथल पुथल मची हुई थी, तो दूसरा राष्ट्रपति शासन 1973, 1972, 1971 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान के युद्ध वगैरह भी हुए थे, उसके बाद स्थिति खराब होती चली गई थी, तो राजस्थान में भी उस टाइम पर राष्ट्रपति शासन लगा था और जो 1970 तक चला था, ठीक है। अगली स्लाइड्स पर चलते हैं, तीसरा राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। देखो तीसरा राष्ट्रपति शासन और चौथी राष्ट्रपति शासन में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे और चौथे जो राष्ट्रपति शासन में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, और ये 1980 में लगा हुआ था, ठीक है, 100 दिन का लगा हुआ था, और राज्यपाल थे रघुवर तिलक, रघुकुल तिलक थे, जो कि आरपीएससी सदस्य भी रहे थे। मैंने बताया था कैसे कौन से राज्यपाल थे जो कि आरपीएससी सदस्य भी रहे थे, तो इन्हीं के टाइम पर तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, करवा देंगे पोल्टी पटवारी की, मैराथन क्लास ले लूंगा, टेंशन मत लो, पटवारी के एग्जाम से पहले मैराथन क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो रघुवर तिलक थे वो, उसके टाइम पर ये पूरी प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। 1980 याद रखना, 1977 तक मैंने बता दिया,
चौथा राष्ट्रपति शासन के बारे में बताते हैं, 1952 से 1993 जब बाबरी विध्वंस हुआ था, भैरव सिंह शेखावत थे, ठीक है, और राज्यपाल कौन थे, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। रघुवर तिलक के बारे में तो आप आरपीएससी सदस्य के रूप में याद रखना, इससे आपको याद रहेगा, और साथ में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय राज्यपाल थे चौथे राष्ट्रपति शासन में। अब आपको याद हो गए होंगे चारों राष्ट्रपति शासन, 1967 में पहला लगा था, मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे और राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे, 42 दिन का लगा था, सबसे कम समय का। दूसरा राष्ट्रपति शासन 3 साल चला था, 10वां चला था, लगभग 4 साल चला था, हरिदेव जोशी के बारे में मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, और सरदार जोगिंदर सिंह के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तीसरा राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री आपको पता ही चल गया भैरव सिंह शेखावत हैं, और चौथे में भी भैरव सिंह शेखावत है, लेकिन राज्यपाल आपको याद रखने पड़ेंगे, रघुवर तिलक थे, आरपीएससी सदस्य थे और राज्यपाल चौथे में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा चारों राष्ट्रपति शासन से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके सामने, पटवारी हो, आरएएस प्रिलिम्स हो, या फिर क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तीनों जगह आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो अगली जो स्लाइड्स डाली है मैंने, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना करेंगे हम, ठीक है। वीटो शक्ति के अलावा समाधान शक्तियों की तुलना करेंगे, उसके अलावा अन्य शक्तियों की तुलना करेंगे, मेनली हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से क्या होगा कि हमको आसानी से चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। जैसे हम अलग से राज्यपाल पढ़ते हैं तो हमारी चीजें दिमाग में से स्किप हो जाती है, जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर ज्यादा रहता है कि किसी से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो वीटो शक्ति की तुलना करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति यदि कोई संसद से कोई विधेयक गया राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए तो उसको स्वीकृति दे भी सकता है, तो वो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है ना। और रोक भी, रोक ले यदि राष्ट्रपति तो विधेयक वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा। दो चीज आपको पता चल गई, वीटो शक्ति की तुलना, वीटो क्या होता है, किसी चीज को रोकना, नेगेटिव अप्रोच बोलते हैं वीटो। और ये कहां से आ गया, ये कहां से आई थी, जो हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन के समय क्या था, या जो गवर्नर जनरल होते थे ना उनको वीटो शक्ति दी जाती थी। वीटो शक्ति क्यों दी जाती थी, जैसे कि विधानमंडल या फिर उस टाइम पर जो भी संस्था होती थी वहां से कोई विधेयक आया तो उसको रोकने की शक्ति होती थी, यानी ये नेगेटिव पावर बोलते हैं वीटो, ठीक है। तो वीटो क्या है, स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति संसद से कोई विधेयक आया तो वो एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, और यदि उसे रोक लिया विधेयक को तो वो वहीं की वहीं समाप्त हो गया, यानी वीटो कर दिया उसने, उसको रोक दिया, ठीक है। या फिर परिवर्तन के लिए दे दे तो दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। तीसरा जो पॉइंट है उसको याद, जैसे कि संसद से सबसे पहले विधेयक गया किसके पास, राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है ना। राष्ट्रपति ने बोला कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दो, अभी मैं साइन नहीं करूंगा, यदि आप परिवर्तन कर दोगे तब साइन, इसने भेज दिया संसद के पास, संसद में द्वारा भेजा। अब राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकता और ना ही मना कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, इसको आप साइन करने पड़ेंगे। यहां पर ये पॉकेट वीटो का यूज भी नहीं कर सकता। पॉकेट वीटो कब यूज कर सकता है, जब पहली बार संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए साइन करने के लिए भेजती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में अब आपको पता चल गया, वीटो पावर के बारे में, हम राज्यपाल के बारे में वीटो पावर के बारे में चर्चा करते हैं। वही है, सेम कंडीशन है कि स्वीकृति प्रदान करेगा, विधानसभा से आया कोई विधेयक उस पर साइन कर दिए तो वो अधिनियम एक्ट बन गया, ठीक है। यदि रोक दी स्वीकृति तो वो समाप्त हो जाएगा और एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ठीक है ना। हमने आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की थी, 201 आर्टिकल देखा था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड था कि राज्यपाल, जैसे राजस्थान विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया और उसे राज्यपाल के पास भेजा और राज्यपाल को लगा कि ये राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड है या फिर किसी कंट्रोवर्शियल मैटर से रिलेटेड विधेयक है, तो वो उसको कहाँ पहुंचा देगा, वो उस विधेयक को पहुंचा देगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास भेज देगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया एक बार तो वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है या फिर केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो उस बारे में क्या स्टैंड ले, ठीक है ना। अब आपको वीटो पावर के बारे में पता चल गया, वीटो पावर एक नकारात्मक या नेगेटिव पावर है, ठीक है।
ये रोकने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए कार काम में आती है। जैसे मैंने बताया दिया संसद और विधानसभा का, दोनों का एग्जाम्पल दे दिया। संसद को वीटो कौन कर सकता है विधेयक को? राष्ट्रपति कर सकता है। और राज्यपाल कहां पर वीटो पावर यूज कर सकता है? विधानमंडल में या विधानसभा से कोई विधेयक जाता है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। धन विधेयक से संबंधित यानी पैसे से रिलेटेड राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। धन विधेयक से रिलेटेड, धन विधेयक की चर्चा कौन सा आर्टिकल में की गई है आपको बताइए? आर्टिकल 108 में की गई है। आर्टिकल 108 याद रखना, जो कि धन विधेयक से रिलेटेड है। ठीक है, तो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति भी दे सकता है, और स्वीकृति दे दी एक बार, संसद ने पारित किया विधेयक, राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया। ठीक है, और स्वीकृति नहीं दी तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुलनात्मक अध्ययन में राष्ट्रपति के यदि विधानमंडल से या फिर विधानसभा से कोई विधेयक जाता है राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए, तो सबसे पहली वो साइन कर देगा। ठीक है, साइन कर दिया उसने या फिर साइन रोक दिए, तो ये तो सेम कंडीशन हो गई। ठीक है, तीसरा अधिकार क्या है इसके पास? हमने आर्टिकल 201 के बारे में चर्चा की थी, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, ठीक है ना, इसको क्या रखता है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, लेकिन ये द्वारा विधानसभा में नहीं भेज सकता, इसको आप याद रखना, इतना अंतर है धन विधेयक से रिलेटेड। ठीक है, इसके पास तो दो ही पावर है, लेकिन इसके पास तीन कंडीशन है, स्वीकृति दे दे, स्वीकृति ना दे, या फिर किसको भेज दे? राष्ट्रपति के पास भेज दे। ठीक है, लेकिन द्वारा विधानसभा नहीं भेज सकता। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अध्यादेश निर्माण। अध्यादेश का निर्माण कब किया जाता है? जब संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में यानी लोकसभा तथा राज्यसभा सत्र में ना हो, साथ में जब विधानमंडल यानी विधानसभा सत्र में ना हो। विधानमंडल में विधानसभा तथा विधान परिषद आते हैं, लेकिन मेनली हम चर्चा करेंगे विधानसभा की, क्योंकि कुछ ही राज्यों के अंदर विधान परिषद है। ठीक है, अध्यादेश का निर्माण कब किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश का निर्माण किया जाता है, या फिर अध्यादेश को आप एक तरीके से कानून ही माने। ठीक है, या फिर राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश दिया जाता है। ठीक है, अध्यादेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोला जाता है इसको, ऑर्डिनेंस बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, राज्यपाल और राष्ट्रपति में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, पहला जो पॉइंट है राष्ट्रपति के बारे में, जब संसद के दोनों सदन या फिर कोई एक सदन सत्र में ना हो, दोनों कंडीशन दे रखी है, दोनों सदन सत्र में ना हो या फिर एक सदन, जैसे लोकसभा सत्र में नहीं है, राज्यसभा भले ही सत्र में, उस टाइम पर भी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, या फिर दोनों सदन ही नहीं है, लोकसभा भी सत्र में नहीं है और ना ही राज्यसभा सत्र के अंदर। ठीक है, जो दूसरी परिस्थिति है कि वो ऐसा लगे कि युद्ध हो गया, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई देश के अंदर, तो उस टाइम पर केंद्र सरकार बोले कि भाई एक अध्यादेश निकाल दो या फिर एक कानून निकाल दो, तो उस स्थिति में जैसे बहुत ही लेटेस्ट एक्शन उठाना है, एक्टिवेट होना है, तो उस टाइम पर भी अध्यादेश प्रख्यापित या फिर अध्यादेश निकाल सकता है राष्ट्रपति। वही केंद्र सरकार लिखित सिफारिश करेगी, बोलेगी कि आप अध्यादेश निकालो। ठीक है ना, ठीक है, अध्यादेश निर्माण की शक्ति के मामले में उसे संसद के सह अस्तित्व के समान शक्ति प्राप्त है। इसका क्या मतलब है? सह अस्तित्व का मतलब क्या हो गया? कि संसद का कोई भी सदन या फिर एक सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति ने इसी मुद्दे पर अध्यादेश निकाल दिया। ठीक है ना, अध्यादेश वैसा ही कानून होगा जैसे संसद विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती ना, जब साइन होने के बाद वो कानून बनता है, उसी तरीके का ये कानून होगा। तो आप इसको भी याद रखना, ये मत सोचना कि अध्यादेश संसद के कानून के बराबर नहीं हुआ, वो उसी तरीके से व्यवहार करेगा। ठीक है ना, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है अध्यादेश, जैसे निकाल दिया राष्ट्रपति ने किसी भी विषय पर या फिर अध्यादेश निकाल दिया, वो कानून बना रहेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद संसद को उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, यानी संसद को पास करवाना पड़ेगा, लोकसभा से भी पास करवाना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड इन द सेंस जो भी दे रखा है संविधान के अंदर। ठीक है,
और राष्ट्रपति के पास एक भी ये भी अधिकार है कि वो किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। जैसे कि आज अध्यादेश राष्ट्रपति ने निकाला और यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो दूसरे दिन या फिर उसकी जब इच्छा है या फिर केंद्र सरकार लिखित में दे दे उस टाइम पर अध्यादेश को वापस भी ले सकती है। ठीक है, ठीक है। सातवां जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्वैच्छिक नहीं है। कौन देगा अध्यादेश के लिए, कौन बोलेगा? केंद्र सरकार बोलेगी। जो लोकसभा में बहुमत की सरकार होगी ना, केंद्र सरकार, वो लिखित में बताएगी कि आपको अध्यादेश इस कानून पर बनाना है मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। तभी प्रधानमंत्री इंडिविजुअल ये और ये डिसीजन नहीं ले सकता है। ये डिसीजन जितने भी मंत्री होंगे उनकी लिखित सिफारिश पर ही होगी। ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन याद होगा, जनता सरकार लेके आई थी। ठीक है ना, जैसा कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार ने, इंदिरा गांधी ने क्या कहते हैं, बिना मंत्रिमंडल की इच्छा के खुद ही निर्णय ले लिया था और राष्ट्रपति शासन देश में लगा दिया था। ठीक है, इस वजह से 44वें संविधान संशोधन में लिखित सिफारिश का प्रावधान किया गया था अध्यादेश के अंदर। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश निकाल दिया और 6 माह तक उपरांत वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमने राष्ट्रपति के बारे में देख लिया कि अध्यादेश के निर्माण के बारे में कौन कौन सी शक्तियां थी। हम राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के बारे में अध्यादेश जब ही निकाल सकता है जब संसद सत्र में ना हो या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा सत्र में ना हो। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जब निकाल सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति में भी हमने देखा था, क्या देखा था कि बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाए उस टाइम पर अध्यादेश निकाला जाता है कि बहुत त्वरित क्या कहते हैं कार्रवाई करनी है। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि विधानसभा आने में टाइम है तो उस टाइम पर अध्यादेश निकाल सकता है राज्यपाल। किसके कहने पर निकालेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर निकालेगा, अपनी मनमर्जी से नहीं निकाल सकता। और इसी तरीके से हमने देखा था राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश निकालता है वो कानून बनता है, वो संसद जैसे कानून बनाती है उसके पैरेलल होता है। वही हम तुलनात्मक अध्ययन में देखते हैं कि वही पैरेललिटी यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश में भी होती है। ठीक है, और वो भी जैसे अधिनियम के समान होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये दे रखा है। देखो 6 सप्ताह याद रखना कि 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अध्यादेश निकाल दिया, यहाँ के राज्यपाल ने, राजस्थान के राज्यपाल ने अध्यादेश निकाला। ठीक है, तो वो 6 सप्ताह बाद, 6 वीक्स के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने पर क्या होगा? इसमें समाप्त हो जाएगा जब तक जो विधानसभा है, जैसे राजस्थान विधानसभा उसको रेटिफाई नहीं कर देती या तो उसको पारित नहीं करती। अगर 6 सप्ताह के अंदर पारित कर दिया तो वो कानून बना रहेगा, लेकिन 6 सप्ताह के बाद तक यदि पारित नहीं किया तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं। हमने देख ली अध्यादेश के मामले में दोनों की शक्तियों की तुलना कर ली। अब हम किसके बारे में तुलना करेंगे? क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियों को देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति किस किस तरीके से क्षमादान कर सकता है और राज्यपाल किस किस तरीके से क्षमादान कर सकता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है पूरी पूरी। इसको भी आप ध्यान से देखना। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियों में देखेंगे। मैंने बता दिया जो मेन अंतर है वो मृत्यु दंड वाला अंतर है। ठीक है, मृत्यु दंड के बारे में बताता, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है पॉइंट, मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, याद रखना। ठीक है ना, और मैंने बता ही दिया था कि सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। जैसे कि किसी का कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में चेंज कर दिया। ठीक है, 20 साल की किसी को सजा हुई है तो वो उसको 10 साल में या फिर 5 साल में चेंज कर सकता है। इस तरीके से लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है। ठीक है, एक अंतर और है इसमें, एक कोर्ट मार्शल के तहत प्राप्त सजा को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल को ये अंतर में पूछ सकता है कि कोर्ट मार्शल की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता है, केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो
कोर्ट मार्शल से प्राप्त व्यक्ति जैसे आर्मी नेवी हो या फिर एयरफोर्स में कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो उसके तहत जो सजा मिलती है उसको माफ केवल राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। यहां भी ये तीनों सेनाओं में सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, इस वजह से इसके पास ये अधिकार प्राप्त है। तो आपको क्षमादान के मामले में दो अंतर याद रखने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी कोर्ट मार्शल की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, ठीक है, और तरीके की क्षमाओं को माफ कर सकता है। यदि किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, इजी लगा होगा आपको चैप्टर, राजस्थान के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और जो टोटल मैटर था राज्यपाल के बारे में, जो मेन मेन आर्टिकल्स थे, नियुक्ति थी पूरा, अब आपको इसमें में आसानी रहेगी राज्यपाल को। यदि किसी का क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर वो पूछ सकता है। और कल जो हमारे जो क्लास होगी वो विधानसभा के बारे में होगी, ठीक है ना, और डेली मैं क्वेश्चंस इस तरीके से लेके आता रहूंगा या किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं ये एग्जाम के अंदर, तो आपको क्वेश्चंस की भी नॉलेज हो जाएगी। किसी का क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। क्लास अब समाप्ति पर है। यदि राज्यपाल के बारे में, राजस्थान के राज्यपाल है उससे रिलेटेड या फिर राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, कल भी क्लास होगी अपनी इसी समय पर, तो तैयार रहना, ठीक है ना। कल भी इसी समय पर क्लास होगी और कल का टॉपिक मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं आप, यदि कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चंस अबाउट द चैप्टर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, तो करें समाप्ति फिर, किसी का क्वेश्चंस नहीं है तो समाप्ति करें। राज्यपाल और राजस्थान का, राज्यपाल राजस्थान के संदर्भ में चैप्टर लगभग समाप्त हो गया, यदि किसी का क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं। प्रोमो कोड यूज करना है, किसी को लेना है वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो आप ले सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर स्पेशल क्लासेस भी चलते हैं। यदि कोई प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग ऐप पर आइए और वहां पर क्लासेस अटेंड कीजिए और कोर्सेस का बेनिफिट्स लीजिए। 2 साल का मैंने बताई दिया आपको, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहता है वो ले सकता है। और यदि कोई कोर्स परचेस करता है तो मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे GAURAVM तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, तो फिर हम अब समापन करते हैं क्लास का। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, ठीक है। मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना है इसको, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना वीडियोस को, सब्सक्राइब करना जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।